बॉलीवुड की हर तीसरी चौथी फिल्म किसी न किसी फिल्म की रीमेक होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बॉलीवुड रीमेक मूवी के बारे में। जो आपने बॉलीवुड के अंदर रीमेक मूवी तो बहुत सारी देखी होगी, जिनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, जिनमें से कोई कॉमेडी फिल्म होती है तो कोई एक्शन फिल्म होती है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है जिनके रीमेक ओरिजिनल फिल्मों को 1% भी नहीं होती। पर बॉलीवुड के अंदर भी रीमेक मूवी बनी है जो ओरिजिनल फिल्मों से भी अच्छी थी, और उन फिल्मों के एक्टर्स ने इस प्रकार एक्टिंग की है कि वह फिल्म रीमेक के मामले में सबसे बेहतरीन फिल्में बन गई। तो आइए बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे बेस्ट रीमेक मूवी के बारे में, जिनमें से आप कुछ फिल्में तो देख ही रखी होगी और कुछ फिल्में आपने देखी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 7 बेस्ट बॉलीवुड रीमेक मूवी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्रेस बेल आइकन को नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्रेस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियो बनाने की। नंबर 7, वांटेड। वैसे तो सलमान खान बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और उनकी ज़्यादातर फिल्में ब्लॉकबस्टर ही होती है, पर सलमान खान की ज़िंदगी में भी एक दौर ऐसा आया था जब उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उनको एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म की ज़रूरत थी। तभी उनको बोनी कपूर ने वांटेड फिल्म को ऑफर दिया, जो साउथ फिल्मों के अंदर पहले ही 2 बार बन चुकी थी। एक के अंदर थलापति विजय थे तो दूसरे के अंदर महेश बाबू थे, और उस फिल्म की रीमेक बनाना और भी इतना अच्छा बात नहीं था और वह इम्पॉसिबल भी लग रहा था, पर सलमान खान ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमारे सामने वांटेड मूवी निकल कर आई, जो रीमेक के मामले में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। नंबर 6, भूल भुलैया। 2007 में आई अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया, जिसके अंदर हमें अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन देखने को मिली थी। यह फिल्म में रजनीकांत की तमिल फिल्म चंद्रमुखी की रीमेक थी, जिसके अंदर भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमने देखने को मिला था, पर उस फिल्म के अंदर सही की चुड़ैल आती है और अक्षय कुमार की फिल्म के अंदर हमें एक बीमारी के बारे में बताया जाता है। बस इतना ही फर्क भूल भुलैया और चंद्रमुखी मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, कबीर सिंह। संदीप रेंगा वांडी एनिमल मूवी से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, पर 2019 के अंदर वह शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह मूवी भी लेकर आए थे, जो उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और वह फिल्म शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। और यह फिल्म संदीप रेंगा वांडी की तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी, जिसके अंदर उन्होंने विजय देवरकोंडा को लिया था। आपको कौन सी मूवी पसंद आई थी, अर्जुन रेड्डी या फिर कबीर सिंह, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, विक्रम वेदा। आर माधवन और विजय सेतुपति फिल्म विक्रम वेदा, जिसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, और उसी का हिंदी में हमें 2022 के अंदर रीमेक देखने को मिला, जिसके अंदर हमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान देखने को मिले, जहां पर ऋतिक रोशन ने तो वेदा के करैक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, बस सैफ अली खान विक्रम के करैक्टर में इतने अच्छे हमें नहीं दिखाई दिए, और इसलिए विक्रम वेदा मूवी तो फ्लॉप होगी, पर यह 1 ऑफ द बेस्ट रीमेक मूवी के अंदर भी आती है। नंबर 3, नायक। 2002 में आई अनिल कपूर की नायक, जिसको हमने टीवी पर इतनी बार देखा है कि हमें उसके एक एक सीन याद हो गए हैं, और हम इस फिल्म को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यह फिल्म अभी तक तमिल रीमेक में थी, उस मूवी को भी शंकर ने ही डायरेक्ट किया था, और अनिल कपूर की नायक मूवी को भी शंकर ने ही डायरेक्ट किया था, और यह दोनों ही फिल्में कल्ट क्लासिक मूवी में मानी जाती है। नंबर 2, हेरा फेरी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की हेरा फेरी, जिसे आज तक कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी माना जाता है। यह फिल्म भी एक मलयालम फिल्म रामोजी राव स्पीकिंग का रीमेक है, और इसके डायरेक्टर ही भी सेम है, और एक ही डायरेक्टर ने इन दोनों फिल्मों को बनाया है। पर आज हेरा फेरी मूवी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि रामोजी राव स्पीकिंग मूवी को कोई याद भी नहीं करता, क्योंकि इस फिल्म के करैक्टर हर इंडियन को आज भी याद है, क्योंकि हेरा फेरी की कॉमेडी टाइमिंग केवल एक एक्टर ही कर सकता है। नंबर 1 पर लिस्ट में रखने के लिए इस मूवी को मैंने बहुत ही सोचा और बहुत ही जगह मैंने सर्च किया, फिर मैंने पाया कि हर किसी के जुबान पे इस मूवी को नंबर 1 रखा जाता है, और आपको भी यह मूवी पसंद आएगी। नंबर 1 पर है दृश्यम। दृश्यम का पार्ट 1 हो या फिर इसका पार्ट 2, यह दोनों ही हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मलयालम फिल्म दृश्यम का ही अजय देवगन फिल्म दृश्यम हिंदी रीमेक थी। मलयालम मूवी के अंदर हमें मोहनलाल देखने को मिले थे, वहीं हिंदी दृश्यम मूवी के अंदर हमें अजय देवगन और तब्बू हमें देखने को मिले थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया कि यह आज रीमेक मूवी के अंदर नंबर 1 पर है। रीमेक मूवी तो आपने बहुत सारी देखी होगी, पर इस तरह की बेहतरीन रीमेक मूवी आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो आपको इन टॉप 7 रीमेक मूवी में से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है, और अपने इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखी है, कमेंट में जरूर बताएं। यह एक ऐसी बॉलीवुड रीमेक मूवी है जिन्हें रीमेक के मामले में बेंचमार्क सेट कर रखा है कि अगर किसी भी साउथ इंडियन फिल्म को आपको रीमेक बनाना है तो ऐसे ही बनाना होगा। तो
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप भी कोई अपडेट मिस न कर सके। जब तक के लिए मुझे दे दे इजाजत। बाय बाय।